परिवहन कर्मचारी संघ के आह्वान पर करनाल के करण पार्क में प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के 22 जिलों में से सभी डिपो के प्रधान व महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आजाद सिंह ने कहा कि यह मीटिंग पूरे प्रदेश से बुलाई गई है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा सरकार के साथ टेबल पर बैठकर 11 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सरकारों द्वारा भी उनकी मांगे मानी गई है, परंतु कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी परिवहन निगम के अंदर बस कंडक्टर एवं ड्राइवर के लिए आवासीय कॉलोनी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और पुलिस की तरह मानदेय के रूप में 13 महीने की सैलरी दी जाए। हरियाणा की जनता की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन के बेड़े में कम से कम 9000 बस तुरंत शामिल की जाए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं करती है तो आगामी दिनों में कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और कर्मचारी संगठन हड़ताल का आह्वान भी कर सकते हैं। इस मौके पर पूरे प्रदेश से ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी एक यूनियन बनी है और उसके विस्तार करने के लिए हमने यहाँ पे सभी साथी हरियाणा के इकट्ठे हुए हैं और मैं आजाद सिंह मलिक से प्रार्थना करूँगा वो अपना विस्तार में। हाँ जी, किस लिए आज सम्मेलन बुलाया आपने? मैं आजाद सिंह मलिक, हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ। नई यूनियन का जो गठन हुआ है नंबर 2085, ऐसा है हमारी कुछ लंबित मांगे काफ़ी समय से 11 सूत्री मांग पत्र है जो कि सरकार को देकर उस मांग के पत्र के ऊपर हम पूरा संगठन इस विषय पर हुआ है कि सरकार से वार्तालाप, एक सौहार्दपूर्ण वार्तालाप करें और 11 सूत्री मांग पत्र बनवाने का दबाव डालें। रही बात, ये मांग पत्र पिछली सरकार में भी आश्वासन दिया था परंतु नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसके तहत अब नई सरकार है। इसमें मुख्य मांगे परिचालक का पे ग्रेड चालक के बराबर, पुरानी पेंशन स्कीम लागू, विभाग के अंदर बेड़े के अंदर गाड़ियां डालना जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन को देखते हुए 3500 गाड़ियों का बहुत ही आज के दिन दयनीय स्थिति है। हम चाहते हैं कि सरकार 9000 कम से कम बेड़े के अंदर गाड़ी डाले, वर्कशॉप के अंदर भर्ती की जाए और अनुदान काफ़ी समय से संघर्ष है इसके ऊपर कि हरियाणा पुलिस की तरह अप्रैल के माह में 13वीं तनख्वाह अनुदान के तौर पर दी जाए और विभाग के अंदर एक परिवहन विभाग जनता के सेवा में ऐसा विभाग है जो कि जनता के सोने के बाद सोता है और उठने से पहले उठता है। विभाग के अंदर आवासीय कॉलोनी का काफ़ी समय से पुरजोर मांग हमारे संगठन ने उठाई हुई है, परंतु कुछ डिपुओं के अंदर तो आवासीय कॉलोनी बन रही है। हम चाहते हैं कि काम हर डिपो स्तर पर आवासीय कॉलोनी हो, डिपो के अंदर कर्मचारियों के लिए रेस्ट हाउस, एक उनका रेस्ट रूम होना चाहिए, जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर पहले भी भाग में होता था, परंतु आज के दिन वहां पर परिचालक अपने कैश को लेकर ऐसे ही पब्लिक के अंदर बैठे रहते हैं, ना ड्राइवर को आराम करने के लिए वहां पर कोई व्यवस्था है। तो हमारा ये 11 सूत्री मांग पत्र हम सरकार को भेजकर और हम चाहते हैं कि टेबल टॉक करें। अगर सरकार ऐसे टेबल टॉक करके सौहार्दपूर्ण तरीके से मांगों को मानती है तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, अन्यथा संगठन को मजबूरी वंश कोई स्टेप किसी प्रकार का आंदोलन होता है तो हम मानते हैं कि जनता के अंदर भी उसमें बड़ी परेशानी होती है। तो हमें उम्मीद है सरकार से, नए प्रधानमंत्री जी से अभी हमारी पीछे मुलाकात हुई थी तो हमने ओवर टाइम के बारे में भी परिवहन मंत्री जी से अवगत कराया था कि विभाग के अंदर बहुत काफ़ी रिवेन्यू कम हुआ है और ओवर टाइम लागू किया जाए। हम ये नहीं कहते कि पहले की तरह अंधाधुंध, परंतु ओवर टाइम चालू होने से कर्मचारी के अंदर एक मेहनत का भी और विभाग का रिवेन्यू भी सारी चीज़ें उसके अंदर बढ़ती है। हड़ताल की बात भी सामने आ रही है। हड़ताल 8 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हमारा इंडिपेंडेंट संगठन है
2085 हमारा ऊपर से किसी से एफिलिएशन नहीं है। इसके बारे में हम विचार विमर्श करके तभी हम इसकी बात करेंगे। आज इस मुद्दे पे भी हमारा प्रदेश स्तरीय कमेटी के अंदर विचार विमर्श किया जाएगा। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 22 डिपो 15 सब डिपो, सभी डिपो से प्रधान सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, तीन तीन पदाधिकारी पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।